नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी वो दो मेडिसिन शेयर करने जा रहा हूँ जो मैं हमेशा यूज करता हूँ और हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों ऑस्टरवेट का मैं एक नया पैक लेके आया हूँ, उसकी आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। अनपैक आपके सामने ही करूँगा और दिखाऊंगा कि ऑस्टरवेट दिखने में कैसा होता है और उसके साथ क्या मिलाया जाता है जिससे हम अपने बर्ड्स को दें और वो हेल्दी रहे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पूरी सर्दी चली गई, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, केवल तुलसी ड्रॉप और ऑस्टरवेट के अलावा मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ। और ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा क्योंकि आप स्किप कर जाते हैं। ज़्यादातर जने देखते ही नहीं है क्योंकि व्यूज़ तो बहुत कम आ रहे हैं और ज़्यादातर जने देखते नहीं, और जो देखते हैं वो स्किप करके देखते हैं, इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक तो ये है ऑस्टरवेट, ये बहुत बेटर कैल्शियम सोर्स है। ये आप किसी को भी दे सकते हैं, बर्ड्स को दे सकते हैं, अपने कुत्ते को दे सकते हैं, और कोई पशु हो तो उसको दे सकते हैं, गाय भैंस को भी ये दिया जाता है। और ये कैल्शियम का बहुत बढ़िया सोर्स है, इससे सबको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, बहुत सस्ता होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो बॉटल है, ये देखिए देखिए 500 ml है, 500 ml की मेरे को ये बॉटल मिल गई है ऑस्टरवेट की, है ना। मैं लेके आया और ये केवल 100 रुपये का मैं लेके आया हूँ दुकान से। बहुत इजी है और इसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसके साथ विमरल ऐड कीजिए, विमरल इसके अंदर मिला दीजिए तो विटामिन की भी सारी कमियाँ इसमें अंदर पूरी हो जाती है। वैसे भी विटामिन D3 तो इसमें रहता ही है, और भी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें रहते हैं तो यहाँ देखिए आप, यहाँ कैल्शियम है, पोटेशियम है, विटामिन डी है, विटामिन D3 है, कार्बोहाइड्रेट है, इतने सारे इसमें तत्व रहते हैं जिससे आप लोगों को बहुत, आपके बर्ड्स को और आपके जो भी पशु हैं सबको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इससे बेटर कैल्शियम सोर्स नहीं है, आप इसको कैल्शियम सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ये विमरल, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ विमरल है, देखिए ये विमरल इसके अंदर मैं मिला दूंगा तो विटामिन की सारी कमियाँ इसमें पूरी हो जाएगी। और जो मैं तुलसी ड्रॉप देता हूँ, ये तुलसी ड्रॉप देता हूँ, पंच तुलसी ड्रॉप्स, ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मियों में कम करता हूँ, गर्मियों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, किंतु सर्दियों में तो रेगुलरली करता हूँ जिससे इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है। और अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। किंतु मैं जानता हूँ कि मैं अपने इस फॉर्मूले से कई बर्ड्स को बचा चुका हूँ और मेरे बर्ड्स की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं, अभी तक कोई मिसहैपनिंग नहीं है, सबके सब बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, खाते पीते खेलते सब कुछ करते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। और ये तुलसी ड्रॉप इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो ऑटोमेटिकली बर्ड्स बीमारी नहीं पड़ेंगे। अब मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि इसके अंदर मैं विमरल मिलाऊंगा, इसको अनपैक करूंगा और आपको दिखाऊंगा पूरी तरह। तो चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं, पूरा सील पैक है आपके सामने, देखिए सील पैक है ये, आपके सामने ही खोल रहा हूँ इसको, इसे पहले मैंने नहीं खोल रखा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको पूरा कवर हटा दिया, पूरा सील हटा दिया है। अब इसमें हम विमरल मिला देते हैं। विमरल को मिलाने से पहले देखिए 30 ml विमरल है, ये 30 ml है ना, इसको मिलाने से पहले इसको अच्छी तरह शेक कर लीजिएगा। अब इसको पूरा का पूरा लेट दीजिएगा, ठीक है, ये पूरा विमरल आप इसमें खाली कर दीजिएगा, 30 ml का विमरल पूरा खाली हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसको ढक्कन लगा के आप इसको भी अच्छी तरह वापस शेक कर लीजिएगा जिससे विमरल इसके अंदर पूरी तरह घुल जाए, पूरी तरह मिल जाए और आपका ऑस्टरवेट रेडी हो जाए। अब ये पूरी तरह मिल चुका है और अब इसका कलर जो आ गया है डार्क, ये देखिए करीब पिंक के करीब था, अभी ये रेड हो चुका बिल्कुल। वीडियो में सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखे क्योंकि ओरिजिनल में तो आप जब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, कलर में हल्का सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं, 19-20 का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो और ऑस्टरवेट बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, ये आप किसी को, ठीक है दोस्तों। तो ऑस्टरवेट मिलाना तो मैंने आपको दिखा दिया और तुलसी भी आपको दिखा दिया मैंने, तो ऑस्टरवेट देने से क्या होगा कि आपके पास इस तरीके से रहेंगे बिल्कुल हंसते गाते खेलते खाते पीते मस्त, ठीक है। और कोई दवाई यूज मत कीजिएगा,
अगर किसी कोई बर्ड बीमार हो जाता है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बर्ड बीमार हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे चेक करेंगे कि वो बर्ड मरने वाला है, किसी भी बर्ड को नहीं बचा सकते। तो आप उस वीडियो का अभी तक नहीं देखा हो तो मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। किंतु अगर आप ऑक्सामेट और तुलसी का यूज करते हैं तो आपके बर्ड हमेशा फाइट फिट एंड फाइन रहेंगे, बहुत सारे चिक्स आपके निकलेंगे, बहुत सारे अंडे देंगे और अंडे भी स्वस्थ होंगे जिसमें शेल बहुत मजबूत होगा और उनसे जो चिक्स निकलेंगे वो भी बहुत हेल्दी होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको चिक्स मिलेंगे, हर अंडा फर्टाइल आपको दिखेगा। ऑस्टोवेट क्या करेगा, ऑस्टोवेट आपकी कैल्शियम की मात्रा को तो पूरी करेगा ही करेगा, किंतु साथ में इनके स्वास्थ्य को सुधारने में भी काम करेगा, इनको एक्टिव बनाएगा, ठीक है। इसलिए आप रेगुलरली ऑस्टोवेट का यूज़ कीजिए। इसको आप अपने किस हिसाब से यूज़ करें ये आप खुद सेट कीजिए, आप कब देंगे। मैं रेगुलर तो नहीं देता, मैं कभी कभार ही देता हूँ बीच बीच में, और रेगुलर मैं जो देता हूँ वह है तुलसी ड्रॉप। यह है डॉक्टर नेचर का तुलसी ड्रॉप है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, डॉक्टर नेचर या पतंजलि। तो आप अगर इन तीनों चीज़ों का यूज करते हैं तो आपके बर्ड को और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे घर में कोई कुत्ता वगैरह आपने पाल रखा है, कोई डॉगी पाल रखा है या बिल्ली पाल रखा है, तो भी आपको ये यूज कर सकते हैं, उनको कोई दूसरी चीज़ आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके बर्ड्स कितनी हेल्दी है, ठीक है दोस्तों। तो एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है क्योंकि मैंने रिसेंटली मैं ऑस्टोवेट लेके आया था, तो सोचा इसके ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर ही डालूं और ऑस्टोवेट आप लोगों को दिखा भी दूं, जिससे आप लोगों के बर्ड्स हमेशा हमेशा हेल्थी रहे। आप क्योंकि आपके बर्ड्स या आपके पेट्स जो भी हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे कबूतर हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी पेट्स आप पालते हैं अगर वो स्वस्थ रहते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, आपका मन भी खुश रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में मेरे कोई दोस्त मेरे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना चैनल को मत छोड़िएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।